दोस्तों, हिजाब मामला मेरे लिए, आपके लिए और उन तमाम लोगों के लिए एक मुद्दा हो सकता है, एक बहस हो सकता है। लेकिन जो लड़कियां, जो बच्चियां हिजाब लगाकर स्कूल जाती हैं, कॉलेज जाती हैं, यूनिवर्सिटी जाती हैं, उनके लिए ये मुद्दा नहीं, उनके लिए ये आम बात नहीं है। उनके लिए उनका पर्दा, उनका तन ढकने का लिबास, उनका सर छुपाने का कपड़ा, उनको सेफ फील महसूस करने की वजह है। लेकिन इसी हिजाब विवाद ने उन लड़कियों की जिंदगियों, उनके सपने, उनके फ्यूचर उनसे छीन लिए। क्योंकि जो सपने देख रही थी, जो आगे बढ़ने का सपना देखा जा रहा था, वो उनसे छीन लिया गया। क्यों? क्योंकि स्कूल कॉलेज में उसे हिजाब लगाकर अंदर जाने नहीं दिया गया, गेट से बाहर कर दिया गया। इसलिए इस विवाद के बाद एक दो लड़कियों ने नहीं, बल्कि 17,000 लड़कियों ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी दोस्तों। क्यों? क्योंकि उनसे उनका पर्दा करना का जो अधिकार था, हिजाब पहनने पर रोक लगा दिया गया। उसने इस वजह से पढ़ना छोड़ दिया, स्कूल जाना छोड़ दिया। सुप्रीम कोर्ट में हिजाब बैन को लेकर दोस्तों आज भी अहम सुनवाई हुई, बुधवार को भी अहम सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की तरफ से पेश हुए वकील हुजैफा अहमदी ने यह दावा कर दिया कि कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले के बाद से 17,000 स्कूली छात्राओं ने, जो स्कूल जा रही थी, उन्होंने ड्रॉप आउट कर दिया। जोर देकर ये बात कोर्ट रूम में कही गई कि ड्रॉप आउट हिजाब पर रोक लगाने के बाद हुआ, 17,000 छोड़ दी। सुनवाई के दौरान हुजैफा अहमदी से जस्टिस सुधांशु धूलिया ने पूछा कि क्या आपके पास कोई संख्या है कि कितनी छात्राओं ने हिजाब बैन के बाद स्कूल छोड़ा है। इस पर अहमदी ने कहा कि PUCL के रिपोर्ट के मुताबिक 17,000 छात्राओं ने ड्रॉप आउट किया है और वो परीक्षा में नहीं बैठ पाई हैं, क्योंकि उन्हें हिजाब लगाकर बैठने की इजाजत नहीं मिली। इसलिए 1700 लड़कियों ने अपना पढ़ाई त्याग दिया। अहमदी ने इस बात पर भी जोर दिया कि हाई कोर्ट के एक फैसले की वजह से कई छात्राएं स्कूली शिक्षा से वंचित हो गई। अब इन आंकड़ों के रखने के बाद हुजैफा अहमदी ने विविधता को लेकर भी कई दलीलें कोर्ट रूम में आज पेश की दोस्तों। उन्होंने कहा कि किसी का हिजाब पहनना दूसरों को गलत कैसे लग सकता है। वो कहते हैं कि राज्य का काम विविधता को प्रोत्साहित करना है, ना कि प्रथाओं पर रोक लगाने का। किसी को ऐसा क्यों महसूस होना चाहिए कि किसी के धार्मिक अनुष्ठान धर्मनिरपेक्ष शिक्षा या एकता में बाधा डालते हैं। अगर किसी ने हिजाब लगाकर रखा है तो उससे दूसरों को क्या दिक्कत? अगर किसी दूसरे शख्स ने रुद्राक्ष पहना हुआ है, सिंदूर लगाया हुआ है या कोई भी धार्मिक चीजें पहनी हुई, तो इससे किसी और को क्या परहेज? अगर कोई हिजाब पहनकर स्कूल जाए तो कोई दूसरा क्यों भड़के? दूसरे छात्र को समस्या क्यों होनी चाहिए? वो तो अपने ऊपर अपना कपड़ा पहनकर जा रहा है, किसी को फोर्स तो नहीं कर रहा। यदि ये उकसाता है तो आपको इसका समाधान करना होगा, अन्यथा आप किसी को धमकाने की अनुमति दे रहे हैं। सरकार शायद चाहती है कि कैंपस में ऐसा ही ये कहना है कि मुझे किसी और का हिजाब पहनना स्वीकार नहीं, ये संविधान की प्रस्तावना में भाईचारे की अवधारणा के विपरीत है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति इस सोच को, सहमति जो है, समाहित करती है कि स्कूल विविधता और आलोचनात्मक सोच को स्वीकार करते हैं। अगर कोई धमकी दे रहा है, कोई धमका रहा है, तो उसकी धमकी को आप सह रहे हैं, उसको अपने ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। इससे पहले भी मंगलवार को इस मामले में लंबी पूछताछ हुई, लंबी जिरह हुई और कई तरह के तर्क रखे गए थे। याचिकाकर्ता की तरफ से देवदत्त कामत ने दो टूक कहा था कि हिजाब पहनना या नहीं पहनना एक धार्मिक विश्वास का मामला है, जबकि अनिवार्य धार्मिक विधि विधानों का सवाल तब उठता है जब राज्य उसे लेकर कोई कानून बनाता है और उन्हें मिटाने की कोशिश करता है। तब पूछा जाता है कि क्या ये जरूरी है? सारे धार्मिक विधि विधान अनिवार्य नहीं हो सकते, लेकिन इसका ये मतलब कतई नहीं है कि सरकार उस पर प्रतिबंध लगा दे। एक सवाल के जवाब में कामत ने यहां तक ये तक कह दिया कि कल को कुछ छात्र कहेंगे कि उन्हें भगवा गमछा पहनना है। मेरे हिसाब से भगवा गमछा पहनना अपनी धार्मिक मान्यताओं का स्वाभिमानिक प्रदर्शन नहीं, बल्कि ये धार्मिक कट्टरवाद का जानबूझकर किया गया प्रदर्शन है। ये ऐसा है कि अगर आप हिजाब पहनोगे तो मैं अपनी धार्मिक पहचान के लिए कुछ भी करूंगा, कुछ भी पहनूंगा। तो ये तो बदले वाली चीजें हो गई कि अगर आप हिजाब पहन रहे हैं तो हम भी भगवा स्कार्फ पहनेंगे। दोस्तों, हिजाब मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को भी, जो 12 सितंबर
जो सोमवार बीता उस दिन भी सुनवाई जारी रही। खास बात यही रही कि सोमवार को वकीलों ने अपनी बात ज्यादा कही। जज हेमंत गुप्ता और सुधांशु धूलिया ने टिप्पणियां कम की। इससे पहले की सुनवाई में भी जजों की टिप्पणियां बहुतायत में आई थी। जी हाँ, बहुतायत में आई थी। बहुत ज्यादा टिप्पणियां की थी उन्होंने, जिनकी जनता ने भी काफी चर्चा रही, जनता के बीच भी काफी जो है बहस छिड़ी रही कि कैसे जस्टिस जो है इस तरह की बातें, इस तरह की बयानबाजी देते हुए नजर आए। इस मामले को लगातार कवर कर रहे लाइव लॉ पोर्टल के मुताबिक दोस्तों, याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता यूसुफ मुछाला ने आपत्ति जताई थी कि इस मामले को संविधान पीठ को भेजा जाना चाहिए था, इस मामले को संविधान पीठ के सामने रखना चाहिए था और सुनवाई होनी चाहिए थी। याचिकाकर्ताओं के वकील ने कहा था कि याचिकाकर्ताओं को वर्दी पहनने पर एतराज नहीं है, लेकिन धार्मिक रूप से जिसे पहनने को कहा गया है उसे भी पहनने की इजाजत होना चाहिए। निजता के अधिकार से पसंद का अधिकार जुड़ा हुआ है। क्या महिलाओं का सिर पर कपड़ा रखना जुर्म है? क्या महिलाएं सर पर दुपट्टा, सर पर स्कार्फ बांध लेती हैं? तो ये कौन सी अपराध की कैटेगरी में आता है? महिला इसमें अपनी गरिमा देख रही है, उनको सेफ फील हो रहा है तो वो हिजाब, सर पर दुपट्टा रख रही है, कपड़े बांध रही है। हम अपनी राय जबरन उन पर नहीं थोप सकते। उन्होंने कहा कि हिजाब पर बैन लगाने से मुस्लिम लड़कियों की शिक्षा का अधिकार प्रभावित होता है, क्योंकि उनके सांस्कृतिक और धार्मिक अधिकार वैसे भी स्वीकार नहीं किए जाते हैं। इस तरह से कोर्ट रूम में ये बातें कही गई थी। वकील फुजैल अहमदी ने जो कहा उसमें भी उन्होंने तर्क के साथ कहा कि 1700 लड़कियां ने कॉलेज स्कूल छोड़ दिया। इस संबंध में सारे रिकॉर्ड से कुछ दस्तावेज भी पेश किए गए। उन्होंने आगे पढ़ा दोस्तों कि हिजाब पहनने वाली महिलाओं को कैरिकेचर के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, उन्हें गरिमा के साथ देखा जाना चाहिए जैसे दूसरे लोगों को देखा जाता है। वे मजबूत इरादों वाली महिलाएं हैं और उन्हें लगता है कि इन्हें इसकी वजह से शक्ति मिली है। कोई भी उन पर अपना निर्णय नहीं थोप सकता। वरिष्ठ अधिवक्ता सलमान खुर्शीद ने भी हिजाब मामले पर कोर्ट के अंदर अपना तर्क दिया था दोस्तों, और कहा था कि संविधान के अनुच्छेद 51A वैज्ञानिक स्वभाव को बढ़ावा देने के तहत मौलिक कर्तव्य पर जोर देते हुए हाईकोर्ट के फैसले ने अनुच्छेद 51AF की अनदेखी की है, जो समग्र संस्कृति को संरक्षित करने की बात करता है। उन्होंने आगे कहा कि योग्य सार्वजनिक संस्था, अदालत ने कहा था कि कुछ योग्य सार्वजनिक संस्थानों पर आपको वर्दी पहनना पड़ता है, वो मुद्दों पर अदालतों को भी संबोधित किया जाता है। उन्होंने कहा कि योग्य सार्वजनिक संस्थान कुछ संस्थानों पर अच्छा हो सकता है, मगर मैं सेना में हूं तो मुझे तय वर्दी पहननी होगी। अगर मैं बार काउंसिल का सदस्य हूं तो मुझे तय वर्दी पहननी होगी, मैं तय वर्दी पहनूंगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या मैं कुछ और पहन सकता हूं जो मेरी संस्कृति के लिए महत्वपूर्ण है। इस मामले की सुनवाई बुधवार सुबह 11:30 बजे तक जारी रही दोस्तों, आज भी पूरे मामले तक सुनवाई रही। आपको बता दें कि कर्नाटक सरकार ने राज्य में शिक्षण संस्थाओं में हिजाब पर बैन लगा दिया था। हालांकि कर्नाटक में कई दशक से मुस्लिम लड़कियां स्कूल कॉलेजों में हिजाब पहनकर आती रही हैं। बैन लगाने के खिलाफ मुस्लिम लड़कियों ने इसे कर्नाटक हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के बैन को सही ठहरा दिया और कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि हिजाब धार्मिक पोशाक नहीं है और न ही इस्लाम में ये अनिवार्य। हालांकि कुरान में महिलाओं की प्राइवेसी को लेकर तमाम आयतें हैं, लेकिन हाईकोर्ट ने उसे ध्यान नहीं दिया और अपना फैसला सुनाया। हाईकोर्ट के आदेश को अब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। पिछली तारीखों पर सुनवाई के दौरान खासतौर से हिजाब को लेकर जस्टिस हेमंत गुप्ता की टिप्पणियां जो है वो काफी ज्यादा चर्चा का पात्र रही, जिन पर देश में बहस भी हो रही है और अभी भी बहस चल रही है। लेकिन हिजाब मामले पर जल्द से जल्द सुनवाई और जल्द से जल्द फैसला जो है कोर्ट की तरफ से देने की बात कही है कि 16 या 17 तारीख को हिजाब मामले पर पूरा फैसला कोर्ट जो है करेगी, और किसके हक में ये फैसला आएगा ये अपने आप में काफी अहम होगा दोस्तों, क्योंकि आज जिस तरह से बहस हुई और जिस तरह से तर्क पर रखकर बातें की गई है उससे कोर्ट में आज जस्टिस जो है वो सवालों का जवाब जो है पूरी तरीके से जो टिप्पणियां कर रहे थे वो आज देखने को कोर्ट रूम में नहीं मिला, क्योंकि जिस तरह से 1700 लड़कियों की बातें की गई कि स्कूली शिक्षा से उन्हें वंचित कर दिया गया सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने हिजाब लगा रखा था, और इसलिए उन लड़कियों ने भी ड्रॉप आउट कर दिया क्योंकि उन्हें पढ़ने की आजादी उनसे छीनी जा रही थी, क्योंकि उनको सेफ फील नहीं हो रहा था, उनसे उनका हक, उनसे उनका अधिकार छीनने की बातें की गई और स्कूल में भी उन्हें मनाही कर दिया गया। तो इस वजह से 1700 मुस्लिम लड़कियों ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके मन में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ द नेशन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले।